हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सिंह हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट्स आ रहा था, क्या हम MBBS कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर? अगर कर सकते हैं तो क्या प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे होते हैं? MBBS की बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट्स आ रहे थे ऐसे। BMS को लेकर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, BDS को लेकर कमेंट आ रहे हैं कि उनके मन में एक ही डाउट है, क्या अगर हम ये सारी चीज़ें जितने भी कोर्सेज हैं MBBS, BMS, BSc कोई भी अगर कोर्स हम करते हैं तो अगर हम गवर्नमेंट की जगह कहीं हमें प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए या फिर हम प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेते हैं तो क्या वही चीज़ हमें गवर्नमेंट के अंदर जो करने को मिलेगी, क्या वही चीज़ सेम हमें प्राइवेट करने को अंदर मिलेगी या नहीं मिलेगी? गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? क्या जो चीज़ हम प्राइवेट के अंदर कर पाएंगे उससे आगे हमारी लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या हम आगे लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन जो बच्चों के माइंड में ये चल रहा है, क्या जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इज इट मच बेटर, क्या वो बेटर होते हैं या फिर एज कंपेयर करें गवर्नमेंट कॉलेज के क्या वो इक्वल होते हैं? तो सारा कुछ जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो एक ही बच्चे के मन में, हर एक बच्चे के मन में ये चीज़ बैठी हुई है, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी चाहिए, क्या मुझे MBBS प्राइवेट कॉलेज से करनी चाहिए, क्या मुझे BMS प्राइवेट कॉलेज से करनी चाहिए? तो इसका आंसर है साफ साफ यस। लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स जिन बच्चों का स्कोर जो है वो कम आया है, ऑब्वियसली जिन बच्चों का स्कोर कम आया है वही प्राइवेट की तरफ जाते हैं, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आया वो गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन इस चीज के अंदर मैं आपको यहाँ पे तीन चीजें क्लियर करना चाहूंगा। हमारे पास, मैं इस कैटेगरी को बांटूंगा, तीन तरह के हमारे पास स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट जिनका स्कोर तो अच्छा आ गया, ठीक है ना, बात समझो, जिनका स्कोर अच्छा आ गया वो तो गवर्नमेंट कॉलेज ले ले, ठीक है। सेकेंड वो जो सिर्फ बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल उनका स्कोर कितना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, उनका स्कोर है मान लो 500, 550 या 450, ये सारा क्या है, बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर लाइन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके सबसे मन में डाउट होता है, भाई करनी मुझे MBBS है, ठीक है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट से सीट नहीं मिल रही, तो क्या मैं इस चीज को क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट में कर सकता हूँ, इस चीज के लिए प्राइवेट में कर सकता हूँ? पहली बात इस चीज को समझो कि कोई भी अगर आपको कोर्स करना है, ठीक है, प्राइवेट में क्या चीज होती है, सिर्फ आपका बजट हिलता है। तो यही चीज अगर आपको MBBS प्राइवेट से करनी है तो प्राइवेट में HM में होता क्या है, प्राइवेट में होता है ये, हमारे पास ये चीज की जो होती है दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हर स्टूडेंट्स की बात नहीं करूंगा, दो स्टूडेंट्स की बात करूंगा, क्योंकि MBBS करने के लिए आपको मैंने मिनिमम बता चुका हूं ऑलरेडी अपनी वीडियो, मिनिमम 14 लाख रुपए पर ईयर की हमारी जो फीस होती है। MBBS कर लो, BMS कर लो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाओगे आपको बहुत ज्यादा जो फीस है वो देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम एग्जाम क्रैक ही करते हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाए, हमारा खर्चा जो है वो बच जाए। लेकिन अब कुछ लोग, बच्चों का वो मिथ रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ाई अच्छे से होती है लेकिन प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं होती। पहले मैं इस चीज़ को आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप मान लो किसी से मेडिसिन लेने चाहते हो, मुझे ये बताओ, आप अपने घर वालों की या खुद की मेडिसिन लेने जाते हो किसी भी डॉक्टर से, तो क्या आप डॉक्टर से पूछ के आते हो कि भाई आपने जो MBBS की है वो प्राइवेट कॉलेज से की थी या MBBS जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से की थी? भाई कोई कुछ नहीं पूछता, कोई किसी को कुछ नहीं पूछता, भाई तूने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के आया या तुझे प्राइवेट कॉलेज से डिग्री मिली है? तो वो सिर्फ ये पूछते हैं, भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है, अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेडिसिन लो और घर को जाओ, जाके रेस्ट करो। कोई ये नहीं पूछता वहां जाके, भाई तूने जो पहले मुझे ये डिग्री दिखा अपनी, तूने जो ग्रेजुएशन की है वो प्राइवेट कॉलेज से की है तो तुझसे मैं मेडिसिन लूंगा, अगर तूने गवर्नमेंट कॉलेज से ली है तो मेडिसिन लूंगा, ऐसा कोई भाई कुछ नहीं पूछता। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये वाला मिथ तो निकाल दो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई फर्क होता है। इवन कुछ प्राइवेट ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट से ज्यादा आपको अच्छे से स्टडी करवाते हैं, ठीक है। एक दिमाग में सोचो, मिनिमम फीस जो है आपका कोई भी कॉलेज है प्राइवेट का MBBS के लिए कितना चार्ज कर रहा है आपसे, 14 लाख रुपए पर ईयर मिनिमम 15 लाख, 18 लाख। तो पर लाख अगर आपसे 18 लाख रुपए वो चीज चार्ज कर रहा है तो वो चीज आप पे भी तो उसमें से कुछ इन्वेस्ट करेगा ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जितना, ऐसे नहीं गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे नहीं होते, बुरे होते, एम्स बहुत टॉप के कॉलेजेस है, लेकिन उसके अंदर अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस कुछ इतने भी अच्छे हैं कि वो आपको इतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी देते हैं कि कुछ वो फैसिलिटी जो अभी तक गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो आपसे 18 लाख रुपए पर ईयर का चार्ज कर रहे हैं पर स्टूडेंट से, तो उनके पास उतनी फैसिलिटी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से वो क्या कर पाए, ट्रीट कर पाए और उनके अंदर वो लेवल क्रिएट कर पाए जो एक गवर्नमेंट डॉक्टर के अंदर होता है और एक प्राइवेट डॉक्टर के अंदर होता है। ये तब तक होता है जब तक आप स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद एक बार आप कॉलेज से बाहर निकल गए ना तो कोई नहीं पूछता भाई आप गवर्नमेंट से करके आए हो या प्राइवेट से करके आए हो, ये सिर्फ आपको पता है कि आपने गवर्नमेंट से की है या फिर प्राइवेट से की है। और इसके साथ साथ एक और चीज क्लियर करता हूं आपके साथ, जो हमारे पास क्या होते हैं प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट है या फिर हमारे पास गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, दोनों स्टूडेंट्स आपके जब एक एडमिशन ले ली, दोनों ने प्राइवेट वाले ने प्राइवेट में ले ली, गवर्नमेंट वाले ने गवर्नमेंट में ले ली, तो गवर्नमेंट वाला एडमिशन लेने के बाद क्या सोचता है, भाई पीजी क्रैक कैसे करना है, पीजी जो है वो क्रैक कैसे करना है। प्राइवेट वाला कोई सोचता है भाई पीजी क्रैक कैसे करना है, दोनों की सेम थिंकिंग है, ठीक है ना। अब ये सोचता है भाई सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ये भी यही सोचता है भाई सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ये सोचता है भाई मैं फ्यूचर में कैसा डॉक्टर बनूंगा, ये भी अपना सोचता है भाई मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, कैसा डॉक्टर बनूंगा, ठीक है ना, कितनी स्किल्स चाहिए, कितनी मुझे नॉलेज चाहिए। भाई जब सारी की सारी जो चीजें हैं वो बंदा सेम की सेम थिंकिंग सोच रहा है, ये भी बंदे कुछ हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, ये भी बंदे हॉस्टल में रह के सोचते हैं, वहीं पर पढ़ते हैं, तो इन दोनों में मुझे ये बताओ कि फर्क क्या हुआ ना। गवर्नमेंट भी वही चीज कर रही है जो गवर्नमेंट के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, जो प्राइवेट के अंदर कर रहा है वही एडमिशन। उसके बाद एग्जाम की बात करें, इनके पास ही वही सिलेबस पढ़ने को मिलता है, इनके पास ही वही सिलेबस को पढ़ने को मिलता है, इनके पास ही वैसे ही उतने मार्क्स का नंबर पेपर होता है, उनके पास भी वही सिलेबस होता है, वही बुक्स होती है, सेम की सेम तो बुक्स होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस इस चीज का है, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है, बजट का डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर आपको बजट जो है बहुत कम देखने को मिलेगा, प्राइवेट के अंदर जो आपको बजट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस चीज को क्या कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो यहाँ पे मैंने बताया था, सिंपल सी बात है, देखो भाई अगर तो आपके पास अच्छा खासा बजट है, ठीक है ना, अच्छा खासा बजट है तो आप आराम से जा सकते हो प्राइवेट कॉलेज के अंदर, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। अच्छे से अपना कॉलेज को ढूंढो, फाइंड आउट करो कि किस कॉलेज में आपको जाना है। मेन दिक्कत किस चीज की होती है, हमारे पास बजट की होती है। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, पहले तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नीट नहीं होगा, नीट नहीं होगा, मेरे पास बजट भी अच्छा है, तो अपना साल वेस्ट मत करो, आराम से किसी भी जाओ प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। बीएमएस में लेनी बीएमएस में ले लो, एमबीबीएस में लेनी है भाई एमबीबीएस में ले लो, जिसमें मर्जी ले लो, ठीक है, वो डिपेंड अपॉन यू कि आपका किस में इंटरेस्ट है। दूसरी चीज, अब जो बच्चे यहाँ पे लाई करते हैं बॉर्डर लाइन पे, जिनका 500 है, 550, 450, ठीक है, कहीं पर ना कहीं इनको गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिलता है तो ठीक है, 550 के जैसे चांसेस होते हैं, 500, 450 के चांसेस कम नहीं है, ठीक है, उनके चांसेस है ही नहीं, मतलब बहुत कम ही है, समझ लो। तो उनको क्या करना है, देखो बच्चों, अगर तो आप एक ड्रॉप या दो ड्रॉप तीन ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है ना, पहली बात अच्छे से समझो, अगर आप एक ड्रॉप दो ड्रॉप या तीन ड्रॉप ले चुके हो, ठीक है, और आपके पास बजट है, लेकिन आपके पास 50% बजट है, 50% बजट इन द सेंस, मान लो जैसे प्राइवेट कॉलेज में आपका जो खर्चा है वो हो रहा है 70-80 लाख रुपए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आपका खर्चा हो रहा है 70-80 लाख रुपया, लेकिन आपके पास 50 लाख रुपए का बजट है और आपका स्कोर इतना है 450, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर बीएमएस ले लो मिलती है तो, ठीक है, या फिर आपने अगर क्या करना है, अगर आपके पास 50 लाख का बजट है या आपको गवर्नमेंट मिलती है तो बीएमएस भी ले सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे बीएमएस नहीं करनी, मुझे सिर्फ एमबीबीएस करनी है, मेरे पास सिर्फ 50 लाख का बजट है और मेरे मार्क्स कितने हैं 450 मार्क्स हैं, तो इस केस में आप क्या करो 20-25 लाख का कहीं से फिर अरेंज कर लो, लोन लेना लोन ले लो, एजुकेशन लोन लेना है, फैमिली अगर आप कर सकती है किसी तरह अरेंज, तो मैं ये बोलूंगा कि आप इस चीज को क्या कर लो, अरेंज कर लो, अपना एक साल बर्बाद मत करो, ठीक है, किसी भी तरह का अपना एक साल बर्बाद मत करो। अगर आपके पास 50 लाख का बजट है और आपके पास मार्क्स इतने हैं, अगर आपको लगता है कि अब बस मैं इनफ हूँ और मुझे अटेम्प्ट भी नहीं करना, तो यहाँ तो दो ऑप्शन है, या तो बीएमएस गवर्नमेंट की सीट मिलती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर आपका एम है भाई एमबीबीएस ही करनी है, तो 20-25 लाख का कहीं से जुगाड़ अरेंजमेंट कर लो। अब नेक्स्ट उन बच्चों की बात करते हैं जिनका स्कोर बिल्कुल ही लो डाउन है, लेकिन उनके पास तो अच्छा खासा बजट है, फिर तो वो किस चीज का सोचे ना, चुपचाप जाओ प्राइवेट में जाओ एडमिशन ले लो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छा खासा बजट है लेकिन मुझे नीट ड्रॉप करना भी नहीं है, अच्छा खासा बजट है, नीट के अंदर आपने मत्था क्यों मारना, फिर अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, पीछे बैकग्राउंड मेरा तगड़ा है, तो जाके आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाद में कोई नहीं पूछता भाई आपने प्राइवेट से किया कि गवर्नमेंट से किया, अपना साल बर्बाद मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे शौक है, तो एक साल आप अटेम्प्ट देके देख सकते हो कि आपका क्या बनता है। अगर आपके अच्छी स्टडी की तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट के अंदर भी अचीव कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक अटेम्प्ट देके देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप एक अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके नीट के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आप प्राइवेट में जाओ, नेक्स्ट बार बार आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बच्चों की बात करते हैं, नेक्स्ट वो बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों का स्कोर रह जाता है ये वाला 450 वाला, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो लो है, यानी कि अपने कहें मिडिल क्लास, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, 50 लाख रुपया बजट भी नहीं है उनके पास, और एमबीबीएस जितना उनके पास पैसा
भी नहीं है। तो मैं उन बच्चों को एक चीज सलाह दूंगा, जिन बच्चों के लो है, मिडिल क्लास है, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मानता हूँ 40-50 लाख जो आसानी चीज नहीं है किसी को देना, किसी अपनी कोई भी चीज है, चाहे हम गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना, इतनी जल्दी उस चीज को अरेंज करना, खर्चना आसान नहीं होता किसी भी चीज के लिए, किसी भी फैमिली मेंबर के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बजट नहीं है, बहुत कम बजट है, और आपका मार्क्स आ रहा है 500, 550, 450, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा भाई अगर आप 450, 550 तक पहुंच सकते हो ना, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास प्राइवेट जितना बजट नहीं है, अब हमारे हाथ खड़े हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मत सोचो भाई तूने 2 अटैम्प्ट दिए 3 अटैम्प्ट दिए, एक अटैम्प्ट और दे मार, एक अटैम्प्ट और दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि अब अगर हम 450, 550, 500 तक पहुंच सकते हैं, तो अगले साल हम 600 प्लस भी पहुंच सकते हैं, और हम इजीली जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इस चीज को क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, हमारे पास कोई बजट नहीं है, हमारे पास इतना फैमिली बैकग्राउंड नहीं है स्ट्रॉन्ग कि हम जो है प्राइवेट के कॉलेज के अंदर, एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले सके। चाहे वो बीएमएस का अगर ले सकते तो बीएमएस ले लो, अगर आपको बीएमएस के अंदर इंटरेस्ट नहीं है लेने का, तो जितने अभी आप अगर ये सोचो कि अगर मैं 450, 550 या 500 तक पहुंच सकता हूं और मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, तो एक अटेम्प्ट और दे मार, अगले साल में पक्का 600 प्लस जो है आप कर सकते हो और कर ही पाओगे, ठीक है। इसी चीज को आपने माइंड में अपने रखना है कि भाई अगर मैं इस साल इस पोजीशन में पहुंच सकता हूं, अगले साल मुझे हर हालत में 600 प्लस जो है वो पहुंचना है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट चाहिए, मुझे प्राइवेट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्राइवेट को क्या कर सके, अफोर्ड कर पाए। क्योंकि अगर अभी आप कैसे भी अरेंज करके प्राइवेट के अंदर अगर आप एडमिशन ले भी लोगे, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिन पे पास अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मिडिल क्लास नहीं कह सकते, कोई भी आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास उतना बजट नहीं है, अगर आप कहीं से अरेंज करके बजट कहीं ना कहीं एजुकेशन लोन लेकर लगा देते हो, लेकिन देन व्हाट यू डू इन नीट पीजी, तो आप पीजी में क्या करोगे, पीजी में अफोर्ड कहां से करोगे, फिर पीजी में तो फिर से आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। तो वही अगर आपने पीजी में भी, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नीट पीजी या तो आपको क्रैक करना पड़ेगा, क्रैक नहीं होता तो फिर वहां पे भी तो खर्चा होगा, तब वहां पे खर्चा क्या होगा, तो पिछला खर्चा उतारोगे तो अगला खर्चा उठाओगे, तो दो चीजें आपके माइंड में क्या हो जाएगा, बर्डन पड़ जाएगा। तो बर्डन नहीं डालना अपनी लाइफ में कभी भी, वही चीज करो जो हमारे हाथ में और जो हम अभी कर सकते हैं, जितना बर्डन डालते जाओगे अभी से उतना बर्डन वो बढ़ता जाएगा। तो इतना भी बर्डन नहीं डालना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना बचे, तो ऑप्शन हमारे पास लाइफ में बचने चाहिए, ताकि हमें ये ऑप्शन नहीं पसंद तो हम सेकंड ऑप्शन को क्या कर सके, चूज कर सके, सारे ऑप्शंस को हमने खत्म नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना कि हमारे पास एक चीज और पेंडिंग रहती है बाद में, दैट इज नीट पीजी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, नीट पीजी। चाहे आपके पास बजट है या नहीं बजट, हर बंदे को आके अटकना किस पे चीज पे आके है, नीट पीजी पे, एट लास्ट आपको नीट जो पीजी है वो क्रैक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो जिनका स्कोर लाई करता है 250 से लेके 450 तक। अब ऐसे वाले बच्चे क्या करें जिनका 200 है, मान लो 250 है, 300 है या 350 है, 400 है, ऐसे बच्चे क्या करें? देखो बच्चों, ऐसी सीधी सी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अपने दिमाग से पूछो कि पहले आपका दिमाग और आपका दिल क्या चाहता है, फिर उस चीज को चूज करो, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये, अगर तो आप लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट कर चुके हो, अगर आपकी हिम्मत हार चुकी है, भाई मैं 3 अटेम्प्ट कर चुका हूँ, 4 अटेम्प्ट कर चुका हूँ, लेकिन मेरा स्कोर इसके बीच में ही आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो इसके अंदर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, अगर आपका बजट नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे BHMS मिल जाएगा, BSc मिल जाएगी, नर्सिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, BMS मिलने के चांसेस होते हैं, 450 के अराउंड आपको कहीं ना कहीं BMS भी मिल सकता है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखो कि कहीं ना कहीं अगर आपका बजट नहीं है लेकिन मुझे चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो हम हर चीज को अचीव नहीं ना कर सकते। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि भाई मुझे ड्रीम में ये कॉलेज मिल जाए, मुझे ड्रीम में ये कोर्स मिल जाए। 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना ड्रीम कॉलेज मिलता है ना ड्रीम कोर्स मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेम कॉलेज में सेम कोर्स, वो ड्रीम कॉलेज में ड्रीम कोर्स मिल जाए, तो ऐसा हमारे चांसेस नहीं है। तो अब आप सोचो कि मुझे एक चीज को चूज करना है, या तो मुझे अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा या तो मुझे ड्रीम कोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसमें उसी तरह आपको अब एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या तो फिर अब आपको बजट छोड़ना पड़ेगा। बजट कैसे अफोर्ड करोगे कि मैं MBBS कर पाऊं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, अगर मैं अब MBBS प्राइवेट नहीं कर पा रहा हूं, अब गवर्नमेंट BMS में चले जाओ, BHMS में चले जाओ, उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन क्या है, नीट पीजी में जाओ, MD होती है आपके पास, MS होती है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं उसमें भी, ठीक है, ऐसा मत सोचो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूं लेकिन मेरा स्कोर इतना है 250, मैं अटेम्प्ट दे सकता हूं, ठीक है, अटेम्प्ट करो, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट नीट की तैयारी करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास बजट अच्छा है या फिर मेरे पास मैं अपने आपको एक और मौका दे सकता हूं, तो फिर आप एडमिशन मत लो।
अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बजट भी है और मेरे पास इनफ टाइम भी है, मेरे पास दोनों चीजें हैं, तो फिर आपको साल बर्बाद करने से कोई इशू नहीं है। अगर आप एक साल अपना जो दाव पे लगाते भी हो तो डेफिनेटली दाव पे लगाओ। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मेरा बजट भी नहीं है, मेरा स्कोर ऑलमोस्ट आ जाके यहीं पर अटक जाता है, मैंने दो अटैम्प्ट दे लिए, तीन अटैम्प्ट दे दिए, तो और साल बर्बाद मत करो। इतने अगर आपने दो तीन साल और बर्बाद भी कर लिए, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आपने दो तीन साल बर्बाद भी कर लिए, ठीक है, तो तीन साल में अगर एक साल में आपका 1,00,000 रुपया भी खर्चा हुआ, तो तीन साल में आपका कितना खर्चा होगा मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम, जबकि आपका खर्चा 5-6 लाख तक पहुंच जाएगा, बुक्स भी आएंगी, आपका रहना सहना खाना पीना, तो तीन साल में आपका खर्चा कितना हो गया, 3,00,000 रुपया हो गया। तो वही 3,00,000 आपके एक साल या दो साल की आपकी फीस निकल जाएगी बीएमएस की या बीएचएमएस की, ठीक है ना। तो उस चीज को यूटिलाइज करो, अपने माइंड को क्या करो, यूटिलाइज करो कि उस चीज को आप कैसे यूज कर सकते हो कैसे नहीं यूज कर सकते हो। अपना बैकग्राउंड देख के चलो, ना कि ये देख के चलो कि मेरा फ्रेंड ने एक अटेम्प्ट ले लिया, उसने दो ईयर का गैप डाल लिया, तीन ईयर का गैप डाल लिया, भाई वो अलग चीज है, तुम अलग चीज हो, सारे जगह सेम होते तो आज हमारी शक्लें सेम जैसी होती, हम अपने आप में यूनिक ना होते, अपने आप में यूनिक है, तो वो चीज यूनिक अपने आप को यूटिलाइज करो, चीज को प्रूव करो कि यस आई एम यूनिक, मैं प्राइवेट में रहकर या मैं बीएमएस करके या बीएचएम या बीएससी नर्सिंग करके भी कुछ बन सकता हूं, एक अच्छा खासा जो डॉक्टर वो बन सकता। एक और एग्जांपल देता हूं, अब मान लो यहां पे आप डॉक्टर बन गए, चाहे गवर्नमेंट से बने हो चाहे प्राइवेट से, कोई भी डॉक्टर हो, बीएचएमएस बने हो, कोई भी बने हो, एमबीबीएस बने हो, बीएमएस बने हो, ठीक है, तो क्या बीएचएमएस वाले अलग से पेशेंट चेक करते हैं या गवर्नमेंट वाले अलग से पेशेंट चेक करते हैं? प्राइवेट वाले कोई पेशेंट चेक करते हैं जो गवर्नमेंट वाले चेक करते हैं, ठीक है। अब जो पेशेंट है वो ये थोड़ी सोच के जाता है भाई इसने गवर्नमेंट से डिग्री की है या इसने प्राइवेट से किया तो मैं इसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, इसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। या फिर आप ये सोचते हो कि भाई मैं प्राइवेट से पढ़ा हूं तो मैं प्राइवेट वाले पेशेंट चेक करूंगा जो ज्यादा पैसे देते हैं या फिर गवर्नमेंट वाले पेशेंट चेक करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा जो अपने माइंड से ये चीज को मिथ को निकाल दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सारा का सारा प्रोसेस अच्छे समझ आ गया, तो मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह नीट के रिलेटेड सारी अपडेट्स वीडियोस जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, कोई भी अपडेट आती है काउंसलिंग के रिलेटेड, मार्क्स के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, सारी की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।